नमस्कार, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं ऑटो लोन एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 15 जनवरी है और मैं इस वक्त ग्वालियर मेले में बैठा हूं अपनी कार में, पार्किंग में। एक छोटी सी अपडेट यहां पर जो आया है, हालांकि आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अपनी ये वीडियो बना नहीं पाया था, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो कार लोन है, एक्चुअली ये मेला जो चल रहा है ग्वालियर का, इसमें अभी 50% RTO पर डिस्काउंट चल रहा है। आपका जो RTO लगता था MP में, उसमें 50% का डिस्काउंट दे रही है गवर्नमेंट। तो अच्छा खासा यहाँ पे बड़ी गाड़ियों पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो यहाँ पे लोग गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं, अभी अच्छा बूम आया है बिजनेस में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं यहाँ पे आपको अपडेट दे देता हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ चुके हैं। अभी अगर मैं SBI के कार लोन की बात करूं, SBI कार लोन जो पर्सनल व्हीकल है, जो आप निजी वाहन के लिए इस्तेमाल के लिए खरीदेंगे, कमर्शियल नहीं, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए बात कर रहा हूं, जैसे आपने कोई स्विफ्ट खरीदी या कोई टियागो खरीदी या अल्ट्रोस खरीदी या कोई भी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो, उसमें जो ब्याज दर आपको मिलेंगे वो SBI के जो मिनिमम चल रहे हैं वो है 8.85 और मैक्सिमम ब्याज दर जाता है 9.80। दोस्तों, 8.85 में SBI के अंदर कंडीशंस सिर्फ सिविल पे डिपेंड करता है, आपकी सिविल कितनी है, आपकी सिविल स्कोर के ऊपर ही आपको ब्याज दर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो 800 सिविल या उससे ऊपर जिसकी सिविल होगी उसको 8.85 का ब्याज दर, और 7 साल के लिए यहाँ 10 पैसे बढ़ जाएंगे, 8.95 का ब्याज दर। अगर सिविल 800 से नीचे है और 775 तक आती है तो आपको 9% और 9.10, और अगर 775 से नीचे है और 757 तक सिविल स्कोर आता है तो आपका यहाँ पर 9.10, 9.20। देखो दोस्तों, क्या है कि 800 सिविल ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, जो सिविल स्कोर है वो लगभग 700 से लेकर के 750, 770-780 के बीच में एक नॉर्मल एवरेज में आता है, मतलब 750 प्लस यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो अगर किसी का 750 से ऊपर है, इसमें क्या है कि 721 टू 756 सिविल स्कोर आता है तो 9.35 और 7 साल में 9.45। तो अभी अगर हम देखें तो एवरेज 9.35 और 9.45 का ब्याज दर चल रहा है, क्योंकि इससे ऊपर सिविल बहुत कम लोगों की हो रही है, जो देखने को मिलती है वो 750 के बीच में रहती है, 720 से 750, 756 ऐसे, उसी हिसाब से बैंक ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है। तो 757 से ऊपर है तो दोस्तों 9.10, 9.20, और अगर 775 से ऊपर है तो 9%, 9.10, और 800 से ऊपर है तो 8.85 और 8.95, और सिविल अगर 700 गई, 700 से 20 में आई तो 9.60, 9.70, और 700 से भी नीचे गई तो 9.70 और 9.80, ऑलमोस्ट 10% का ब्याज दर यहाँ टच कर रहा है ऑटो लोन में। तो दोस्तों, ये जो है ब्याज दर बढ़ गए हैं और मार्च तक कम होने के कोई चांसेस नहीं है, मार्च तक कम होने के कोई चांसेस नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने एक अप्रूवल डलवाया है ऊपर, लेकिन सिर्फ ग्वालियर के लिए डाला है। अब ये अप्रूव होता है कि नहीं होता है ये मैं एक वीडियो में बता दूंगा आपको, कि इसमें भी शायद 10-15 पैसे हमने बैंक से डिस्काउंट मांगा है कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए बैंक से। तो अब देखो, अगर ये मिलता है तो ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो है, देखिए मैं कोई SBI का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं एक जनरल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने बता दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पे दो चीज़ें, एक मैं और बता देता हूँ, वो जो PNB बैंक है ये थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कम दे रहा है आज की डेट में, इनका भी बढ़ जाएगा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज की डेट में PNB जो है वो 8.80 दे रहा है 750 सिविल पर, PNB 8.80 दे रहा है 750 सिविल पर और -1 सिविल पर भी, जबकि SBI -1 में 9.35 और 9.45 देगा, और यहीं पे PNB 8.80 दे देता है। तो ये है, लेकिन देखो दोस्तों, क्या है कि फ्लोटिंग का अंतर है, इनके ब्याज दर अगर बढ़े, क्योंकि ये है कि अभी के टाइम इन्होंने ब्याज दर कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन इनके ब्याज दर बढ़े तो ये ब्याज दर फिर आपके भी बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन स्टेट बैंक में जो ब्याज दर ले लोगे आज की डेट में वो ब्याज दर बढ़ेगा नहीं, जो आज मिला है वही ब्याज दर चलेगा, इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, रिड्यूसिंग है लेकिन फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन बाकी की जैसे PNB बैंक अगर आपको कम दे रहा है तो वो फ्लोटिंग दे रहा है, उनको मालूम है कि अगर थोड़ा सा लोन इन्होंने चला लिया 7-8 महीने तो हम 7-8 महीने में ये ब्याज दर इनका भी 9.80 और 10% का टच कर देंगे, इसीलिए
कंपटीशन के लिए अभी थोड़ा सा पीएनबी ने कंट्रोल कर रखा है, एचडीएफसी बैंक भी काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। और एचडीएफसी का तो देखो दोस्तों क्या है कि जिप ड्राइव ऑफर आता है तो हमेशा अच्छा मिलता है। अगर एचडीएफसी का आपको जिप ड्राइव ऑफर आ रहा है तो आप उसमें देखिएगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एचडीएफसी का फिर कोई तोड़ नहीं है यहाँ पर, हमेशा देखा गया है। और एचडीएफसी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 750 से, लेकिन इन एचडीएफसी बैंक में क्या है कि अभी लोन अमाउंट के ऊपर चल रहा है कि लोन कितना है। 10 लाख के लोन तक वो 9.15 भी दे रहे हैं, 10 से 20 पर वो 9% का दे रहे हैं, 15 पैसे और कम देते हैं। लेकिन यहीं स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक सिर्फ सिविल देखती है, लोन कितना भी ले लीजिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं एचडीएफसी बैंक जो है वो आपके लोन अमाउंट के ऊपर स्कीम यहाँ पे ऑफर करती है, ठीक है ना। आपको एचडीएफसी बैंक अगर आपकी गवर्नमेंट सैलरी पैकेज है या सैलरीड अकाउंट है उनके यहीं पे सैलरी लेते हो तो वो 8.85 भी टच कर देगी आपका 750 सिविल पे, 730 सिविल पे भी, लेकिन स्टेट बैंक नहीं कर पाएगी। तो स्टेट बैंक का ब्याज दर आपको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी के सभी के ब्याज दर बहुत ज्यादा ही हैं, आपको एक्सिस बैंक का भी 9.301 सो ऑन ब्याज दर यहाँ मिलेंगे। और यूनियन बैंक इस वक्त तो यूनियन बैंक तो बहुत घटिया ब्याज दर दे रही है। यूनियन बैंक का ब्याज दर इस वक्त 800 सिविल है तो 9.35 का ब्याज दर है, जो कि हमारा स्टेट बैंक का जो ब्याज दर है वो कितना सिविल पे जाकर के मिल रहा है, मतलब 9.35 तो हम जब दे रहे हैं जब किसी की सिविल 721 है, 756 है, और ये लोग तो 800 सिविल वालों को 9.35 का ब्याज दर दे रहे हैं। तो यूनियन बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो रखे हैं इस टाइम पे। शायद उन लोगों का कार लोन का भी कोई प्लान नहीं है, वो लोग होम लोन में डील कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि उनका बजट पूरा हो चुका है जहां तक मेरे नॉलेज में है, बजट रहता है एनुअल, आई थिंक उनका पूरा हो चुका है। तो 9.65, 9.75 और -1 सिविल को 9.75 तक का ब्याज दर दे रहे हैं। तो यूनियन बैंक तो इस वक्त आप समझ लीजिए कि बिल्कुल भी आप यहाँ पे चॉइस मत करिएगा, यूनियन बैंक बिल्कुल भी चॉइस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूनियन बैंक के इस वक्त। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा 770 पे, 71 पे, उससे ऊपर पे आपको 8.80 का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर देगी, एंड 8.95 भी कर रही है, 9.15 भी कर रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक में आप इक्वली थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन फर्क इतना है कि स्टेट बैंक जो फिक्स ब्याज दर देगी और बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर सही दे रही है एक सिविल के अकॉर्डिंग, तो उनका फ्लोटिंग है, बस उनके ब्याज दर जो है वो बढ़ जाएंगे तो, लेकिन कम होने के चांसेस मार्च तक नहीं है। मार्च के बाद नई फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ कम होता है तो पता चलेगा, लेकिन मार्च तक कहीं कोई ब्याज दर कम नहीं होने वाले हैं, बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते, मैं फिर से बता दूं आपको। बाकी के अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो 9.10, 9.15, 9.20, 3045 ये जो ICICI बैंक ऑफर कर रही है 9.10 से लेकर 9.45 तक, तो इनके ब्याज दर तो देखिए हाई चल ही रहे हैं। और HDFC बैंक नो डाउट हमेशा कंपटीशन देती है, तो HDFC बैंक हमेशा आप है कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं तो बाकी महिंद्रा फाइनेंस की बात की जाए तो देखो महिंद्रा फाइनेंस अलग अलग केसेस में, अलग अलग इनकम में, अलग अलग प्रोफाइल में डील करती है। अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर का बंदा है, कोई एग्रीकल्चर इनकम बताता है तो वो उसको अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, है ना, उसको 12% तक टच कर सकते हैं। अगर कोई NIP कस्टमर है जिसके पास कोई इनकम प्रूफ ही नहीं है, मतलब कोई रेडी की दुकान चलाता है, कोई छोटी मोटी कोई दुकान चला रहा है, उसको लोन देना है तो उसके लिए तो 14% का भी ब्याज दर टच कर देंगे, मतलब 14% ऑलमोस्ट 14% 13.5% समथिंग ब्याज यहाँ शो कर रहे हैं मेरे को, तो लगभग 13.5-14% के यहाँ पे ये लोग ब्याज दर शो कर देंगे। तो ये महिंद्रा जो है ये डील करती है अलग अलग प्रोफाइल्स में। आपको इसके अलावा सैलरीड जो प्रोफाइल है इसमें ये लोग, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें डिपेंड करता है कि सैलरीड है और फिर गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये लोग यहाँ पे अलग अलग जो है उसमें डील करते हैं कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं आपको, 8.85 भी दे रहे हैं और 8.5 भी दे रहे हैं, 8.75 भी दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फिर कितना लोन ले रहा है व्यक्ति, कौन सी गाड़ी ले रहा है, वो आदमी का लोन कितना सिक्योर हो सकता है, उस पर ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं महिंद्रा वाले भी। तो दोस्तों यही है, लेकिन महिंद्रा जो है NBFC है। मैं हमेशा कोशिश आपसे यही कहता हूं कि महिंद्रा का ऑप्शन आप जब ही चुनें जब आपके पास नेशनलाइज बैंक्स में कहीं कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और फिर उसके बाद प्राइवेट बैंक्स भी नहीं दे रही हैं, जब आप NBFC को चुने, क्योंकि NBFC कोई बेहतर नहीं होता है, इनके चार्जेस बहुत हाई रहते हैं हर चीज के। आपको
किस्त बाउंस के भी, अगर कोई गलती से आपकी कभी कोई ईएमआई नहीं कट पाई तो बहुत हाई चार्जेस हैं जो कि बैंकों के कम चार्जेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं कोशिश आपको यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप स्टेट बैंक को चॉइस करें, स्टेट बैंक का देखें कि स्टेट बैंक क्या ऑफर कर रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टेट बैंक थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर कर रही है, थोड़ा बहुत मतलब मेरे को काफी 20-30 पैसे का ब्याज दर कम मिल रहा है पीएनबी में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा में, तो मे बी आप वहां पे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि ये डिपेंड करता है दोस्तों कि चीजें कितना कम दे रही है और फ्लोटिंग का फिक्स का। बाकी देखिए प्रोसेसिंग फीस जीरो चल रही है, फोरक्लोजर जो है 2 साल के बाद आप फोरक्लोज कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। प्री पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, है ना। स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 2,500 रुपए की है। 10 लाख से ऊपर का लोन लेंगे तो 10,500 रुपए की है, 5 लाख से कम का लोन लेंगे तो 1,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी है। बाकी आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस स्टेट में वीडियो देख रहे हैं, वहां की स्टेट की गवर्नमेंट के हिसाब से जो आरटीओ चार्ज लेता होगा स्टैम्प ड्यूटी का, वो आपको पे करना रहेगा। तो लोन के जो स्टैम्प है बस वही बनते हैं, इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी अभी कार लोन को लेकर के। और मैं फिर से आपसे कहूंगा, ग्वालियर का मेला चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक ग्वालियर मेले में कितनी गाड़ियां बिक चुकी हैं। ये मेला सॉरी 12 तारीख से स्टार्ट हो गया था, तो 12 तारीख को गई थी गाड़ी लगभग, अभी मतलब 514 लगभग 600-650 करीब, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये 12 तारीख से लेकर के कल 14 तारीख तक 600-650 करीब गाड़ियां जा चुकी हैं ग्वालियर मेले से, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, नहीं सॉरी इसमें कमर्शियल व्हीकल लगभग 55 कमर्शियल व्हीकल जो है, कमर्शियल व्हीकल में लाइक टैक्सी ऑटो ये जो गए हैं, ये लगभग 55-60 गाड़ियां ये जा चुकी हैं, और 650 करीब प्राइवेट वाहन जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं, इस ऐसी गाड़ियां लगभग 650 करीब गाड़ियां मेले से जा चुकी हैं। और हमारे पास अभी 40 दिन है, मतलब 40 दिन ग्वालियर का मेला और चलेगा। तो दोस्तों इस दौरान जो अंदाजा लगाया जा रहा है, ये अंदाजा है कि लगभग 10,000 या उससे ऊपर गाड़ियां जाएंगी। अब देखते हैं क्या फ्लो आता है। आज जो अनुमान है वो अनुमान कल आरटीओ वालों से जो डिस्कशन हुआ था, उन्होंने बताया था कि आज मंडे का जो अनुमान है 15 तारीख का, 500 गाड़ियां आज एक दिन के अंदर ग्वालियर मेले से जाने वाली हैं। और दोस्तों यहां पे अभी जैगुआर भी आएगी, ऑडी भी आएगी, मर्सिडीज भी आएगी, जीप, कंपास, आपकी वोल्वो, सारी लग्जरी गाड़ियां आने वाली हैं, क्योंकि इंदौर के डीलर ग्वालियर में पार्टिसिपेट करते हैं मेले में। और जितना मर्सिडीज जो गाड़ियां हैं वो एक साल में बेचता है, वो यहां 2 महीने में बेच देता है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट थे, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, जिससे सबको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे ऑटो लोन से रिगार्डिंग मिलती रहे। थैंक यू, बाय, नमस्कार।